नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आप हरिजन शब्द कहने पर भी हो सकती है जेल। जी हाँ, बहुजन समाज के लोगों को अपने अधिकारों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि उनके अधिकार क्या हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, ये सारे अधिकारों को हम वन बाय वन आपके पास लेकर आएंगे। हरिजन शब्द के ऊपर बहुत टाइम से चलती हुई आ रही थी बहस, और इस बहस को मिल गया है अंजाम। जी हाँ, अब हरिजन शब्द को कहने से भी हो सकती है जेल। का अर्थ हुआ करता था हरी का जन्म, इस तरीके से कहा जाता था कि आप हरी हैं। लेकिन अब हरिजन कहना पड़ सकता है बहुत भारी। बताया जा रहा है कि हरिजन शब्द में शुरू से ही विरोध रहा है। कोर्ट का मानना था कि अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोगों को शुरू से ही इस शब्द को अपमानजनक मानता आ रहा है, तथा इस पर रोक लगाने के लिए आजादी के बाद से ही आवाज उठती शुरू हुई है। एडवोकेट कल्सर ने बताया कि अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है। बहुजन समाज के लोगों का कहना है कि हरिजन शब्द नीची जाति को उसके नीचे दिखाने जैसा, अपमानजनित करने जैसा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी हरिजन शब्द का प्रयोग अपमानजनित होने के साथ साथ अपराधी भी होता है। ये आदेश भी दिया है कि अगर किसी ने हरिजन शब्द का भी प्रयोग किया तो उस पर FIR दर्ज कराई जा सकेगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी हरिजन शब्द से संबोधित करता है या आपको हरिजन शब्द कह के गाली देता है तो आप भी कर सकते हैं उसको FIR। SM न्यूज की ऐसी खबरों पे नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की खबरें पहुंच सके सबके पास। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।